मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के वन भूलपुरा क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एडीजी कानून और व्यवस्था एपी अंशुमान को प्रभावित क्षेत्र में कैंप करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अवैध निर्माण को हटाए जाने के दौरान पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों एवं कार्मिकों पर हुए हमले तथा क्षेत्र में अशांति फैलाने की घटना को सख्ती से लेते हुए अराजक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिलाधिकारी नैनीताल से निरंतर समन्वय बनाकर रखें। उन्होंने एडीजी कानून व्यवस्था और जिलाधिकारी नैनीताल को घटना के दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही कर क्षेत्र में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा, आगजनी और पथराव करने वाले एक एक दंगाई की पहचान कर उन पर कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। इस अवसर पर विशेष प्रमुख सचिव एडीजी अमित सिन्हा, सचिव श्री आर मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, विनय शंकर पांडे, अपर सचिव जेसी कांडपाल उपस्थित रहे। होप कि जल्दी से सब लोग ठीक हो जाए, जो भी मीडिया कर्मी इसमें घायल हुए हैं उनका प्रॉपर इलाज हो जाए। उनको दंगाइयों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जान से मारने का प्रयास किया उन्होंने हम लोगों को। दंगाइयों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो हमारे देश का कानून है उसको बहाल किया जाएगा। कुछ मौतें बुरी कार्रवाई होने के बाद भी बड़ी मात्रा में विदिन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की उन पर पहला अटैक किया गया। पत्थरों के माध्यम से पत्थर बरसाने शुरू कर गए, चारों तरफ जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फोटोज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वॉज प्लान्ड कि जिस दिन पे डिमोलिशन ड्राइव होगी हम उस दिन इस तरह से फोर्सेज को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। तो पत्थरों का अटैक हुआ जब हमारी टीम पीछे नहीं हटी, हमने डिमोलिशन ड्राइव को जारी रखा हमारे ऑफिसर्स ने। उसके बाद जब पहली मॉब जो आई पत्थरों के साथ उनको डिस्पर्स कर दिया गया, तो दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जो फ्यूल होता है उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी, उसमें उन्होंने आग लगा कर फेंकी। आप लोगों ने वीडियो फुटेज में भी देखा, आप लोग अभी तक सब कवर भी कर चुके हैं, ये फेंका गया। ये भी बाद में उसको वेरीफाई कराया गया, तो ये निकल कर आया कि कृष्णा हॉस्पिटल ने उनको एंटरटेन नहीं करके, क्योंकि ब्रॉड डर थे, एसटीएच में भेज दिया था। तो वही दो बॉडीज जो है वो कृष्णा में भी काउंट हुई और एसटीएच में भी, उसके कारण ये चार का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। अभी तक जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है वो दो रहता अभी तक के हिसाब से, जो हमारे कब्जे में है, बाकी लोगों का चिन्हीकरण हम लोगों ने कर लिया। 3,000 इस मामले में रजिस्टर हो रही है और 3,000 रजिस्टर होने के बाद में अभी हमारे कब्जे में 4 उत्तर हुई है जिन्होंने इस मोब में भड़काने का काम किया और थाने पर अटैक करने का काम किया। 4 उत्तर हुए हमारे कब्जे में। कितने लोग हो सकते हैं? लगभग 15-20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस सारे मोब को भड़काने का काम किया है, बनपुलपुरा और हल्द्वानी शहर में माहौल खराब करने की कोशिश की है और इस मोब को यूज करते हुए स्टेट को और जिला प्रशासन को चैलेंज करने की कोशिश की है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम एफआईआर कर रहे हैं और जिसमें ये जितने भी लोग हैं इनके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। जितना भी इस तरह का सरकारी प्रॉपर्टी का जो डैमेज हुआ है इनकी वसूली से की जाएगी, इनके खिलाफ सख्त धाराओं में कार्रवाई की जाएगी और आगे के लिए एग्जाम्पल सेट किया जाएगा कि कोई भी कमेटी या कोई भी आदमी अगर स्टेट को चैलेंज करने की कोशिश करेगा, जिला प्रशासन को चैलेंज करने की कोशिश करेगा या किसी सरकारी कर्मचारी पर जानलेवा हमला करेगा, तो उनके खिलाफ स्टेट बहुत सख्ती से निपटेगा ऐसे लोगों के लिए।